दतिया मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में बायो बेस्ड मेडिकल कचरे के लिए 350 पलंगों पर करीब 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किया जाता है। इसके बावजूद भी संयुक्त जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के आला अधिकारियों की अनदेखी व लापरवाही के चलते अस्पताल परिसर में जगह जगह कचरे के ढेरों का अंबार लगा हुआ है। वार्डों से निकलने वाला कचरा खुले में फेंका जा रहा है। जिस जगह कचरा डाला जा रहा है वहीं से अस्पताल में आने जाने वालों का निकलना होता है। कचरा के ढेरों से निकलने वाली दुर्गंध से लोग काफी परेशान होते हैं। साथ ही रास्ते में इंजेक्शन, बोतलें, दवाइयां, हाथ ग्लव्स काफी मात्रा में एक्सपायरी पैक कॉन्डोम फेंके गए। मेडिकल बायो वेस्ट संबंधित कचरा सामग्री कैसे डालना है, अस्पताल प्रबंधन द्वारा सफाई कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है कि बायो वेस्ट कचरे को किस तरह अलग अलग करना चाहिए। जब इस संबंध में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर व मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अर्जुन सिंह से चर्चा की गई तो दोनों ही अधिकारियों ने अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। बायोमेडिकल वेस्टेज के लिए जिला चिकित्सालय में एमरजेंसी दर्ज आए थे और उसी हिसाब से कचरे का निस्तारण हो रहा है, लेकिन संज्ञान में आया है कि न्यू ओपीडी ब्लॉक के बाहर कुछ वेस्ट है जो कि जनरल वेस्ट के साथ मिक्स हो गया है। वहाँ पर क्योंकि अभी नए वार्ड स्टार्ट हुए हैं, इसलिए जो कर्मचारी अभी नए लगे हैं उनको इस बात की शायद ज्ञान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, जिसके लिए हम संबंधित एजेंसी को फाइन लगाएंगे। साथ ही साथ मेडिकल स्टूडेंट को निर्देशित करेंगे कि इस तरह के कचरे का निस्तारण सही नियमों से हो। कहीं सकते सर? नहीं, हम बायोमेडिकल वेस्ट की जो नियम है उसी हिसाब के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है, उसी हिसाब से निस्तारण हो रहा है। कुछ जगह अगर कहीं दिक्कत है उसमें सुधार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मौजूदा जिला चिकित्सालय दतिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ बायो वेस्ट जो मरीजों से निकल कर मरीजों के अंदर जो उपयोग होने वाला कचरा है, बोतल, उनका ग्लव्स, हैंड ग्लव्स वगैरह जो कुछ है, यहाँ से निकलने वाला जो कचरा है उनके अंदर बायो वेस्ट जिनको बोलते हैं, कितनी गंदगी तरीके से इसको फेंका गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो जिला अस्पताल और जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल है इन दोनों के संयुक्त में ये कचरा फेंका जा रहा है। जबकि मैं इस कचरे के लिए हर माह 350 पलंगों पर 85,000 रुपये से ऊपर का खर्चा होता है, लेकिन इस सब की अनदेखी के चलते जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन घोर लापरवाही बरतता जा रहा है। और ये कचरा जो है यहाँ से निकलने वाले लोगों के लिए काफ़ी परेशानी देता है, बदबू मारती है, लोगों के पैरों में ये सिलिंग पड़ी हुई है, सिलिंग बोतल पड़ी हुई है, उनके पैरों में जाके घुस जाती है, उनके घायल भी हो जाते हैं। इनसे कितना नुकसान हो सकता है, कितना संक्रमण फैल सकता है, ये आप जान सकते हैं। डॉक्टर के सी राठौर से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे पास बायोवेस्ट के लिए 2 कमरे बनाए गए हैं, उनमें बायोवेस्ट फेंकते हैं, हम लोग डालते हैं। ये मेडिकल कॉलेज से यानी मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक दूसरे की खींचतान की वजह से ये कचरा ये आम नागरिक के लिए सबक बनता जा रहा है। दतिया से KBP न्यूज़ के लिए संवाददाता विजय गोस्वामी।